हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एलोवेरा के प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो स्किप किए बगैर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 हैक्स बताऊँगी एलोवेरा के। हमारा पहला हैक है मेकअप रिमूव। मेकअप रिमूव करने में गर्ल्स को बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं आपको इजी तरीका बताऊँगी। एलोवेरा का एक पीस काट लीजिए दोस्तों, फिर अच्छी तरह से उसे धो लीजिए। फिर उसका जेल होता है ना, एक कटोरे में निकाल कर उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिक्स कीजिए। फिर अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए दोस्तों। अप्लाई 5 मिनट तक करते रहिए। 5 मिनट के बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। फिर किसी साफ़ कपड़े से अपना चेहरा पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, आपका मेकअप बिल्कुल रिमूव हो जाएगा दोस्तों। ईजी वे है ना। हमारा दूसरा हैक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गर्मी का मौसम है और हमारे स्कैल्प पे बहुत सारी रूसी डैंड्रफ जैसे चीज़ें आ गई हैं, तो उसे दूर करने के लिए क्या तरीका है दोस्तों, आप जो शैम्पू अप्लाई करते हैं ना सिर पे, उसे एक कटोरे में निकाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाइए। फिर उसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई 5 मिनट तक करते रहिए दोस्तों। फिर उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपके बाल सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे और आपकी रूसी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमारा तीसरा हैक है दोस्तों, हीना मेहंदी या नूपुर मेहंदी, कोई सी भी मेहंदी आप लगाते होंगे, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए। 2 घंटे तक रखिए। 2 घंटे के बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। एलोवेरा जेल मिलाने का एक तरीका है दोस्तों, इससे बाल आपके काले होंगे और लंबे भी होंगे और सिल्की भी होंगे। हमारा चौथा हैक है दोस्तों, एलोवेरा जेल। अगर किसी को चोट लग गई हो या कहीं खरोच आ गई हो, उसमें खून निकलना बंद ही ना हो रहा हो, तो आप उसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा घिस लीजिए, उसका जेल लगा लीजिए। 5 मिनट बाद देखिएगा दोस्तों, खून निकलना बंद हो जाएगा। हमारा पांचवा हैक्स है हैंड वॉश। हैंड वॉश बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, 2 ग्लास पानी और साबुन। साबुन को ग्रेटर से किस कर लीजिए दोस्तों। फिर उसे एक किसी पैन में निकाल लीजिए, उसमें 2 ग्लास वाटर डालिए, एलोवेरा जेल, उसको गैस में पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद दोस्तों 1 ग्लास वाटर बचे तो उसे ठंडा होने के लिए गैस से उतार दीजिए। फिर जब हमारा हैंड वॉश बन गया तो उसे किसी कंटेनर में भर लीजिए। फिर हमारा हैंड वॉश तैयार हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।